भाई साहब, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि पुष्पा 2 द रूल का टीजर हमें 8 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। भाई इस एक छोटे से पोस्टर के लिए कल से ही गुत्थम गुत्था लगी थी, कल से ही सोशल मीडिया पर रस चल रहा था। रस जो इस टाइम पर मूवी आने वाली है मैदान और बड़े मियाँ छोटी मियाँ, भाई इन दोनों की हाइप को खा गया है ये वाला हाइप सिर्फ छोटे से पोस्टर में। वो भी पोस्टर इतना कोई लजीज नहीं है या बहुत कुछ नहीं रिवील आउट किया है, बस एक अपना न्यू यूनिक स्टाइल रिवील आउट किया है। जैसे फर्स्ट पोस्टर उन्होंने रिवील आउट किया था अपने पुष्पा भाव का, यानी अपने अल्लू अर्जुन का, वो नींबू का माला पहन के, देन उसका अलग अंदाज में नेल पॉलिश लगा के, देन उसके बाद हाथ में गन है, अलग अंदाज, मतलब बिल्कुल यूनिक। और यहाँ पर भी बिल्कुल यूनिक है, अलग अंदाज है, पाँव में घुंघरू बांधते हुए वो पोस्टर रिलीज किया है। 8 अप्रैल को टीजर आ जाना है, इसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ये पाँव किसका हो सकता है भाई? लग रहा है रश्मिका मंदाना का हो सकता है या फिर अपने अल्लू अर्जुन का हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। मैंने थोड़ा डिटेल आउट में देखा तो हल्का सा रश्मिका मंदाना की तरह लगा, लेकिन भाई ये चीज़ आप बता के जरूर जाना कि ये पाँव, अगर आपने ये पोस्टर देख लिया है और आप ये फॉलो कर रहे हैं कल से मिनट मिनट में आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि भाई सुबह से लगी पड़ी थी, होड़ लगी पड़ी थी कि आखिर ऐसा क्या रिवील आउट कर देंगे। पुष्पा मास जथारा करके ट्रेंड चलाया जा रहा है, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, पुष्पा 2 टीजर का हैशटैग चलाया जा रहा है, पुष्पा 2 द रूल का ये हैशटैग चल रहा है। भाई कल से ये 3-4 हैशटैग्स लगातार ट्रेंड पर थे, अल्लू अर्जुन का ट्रेंड पर था, देन उसके बाद रश्मिका मंदाना का जो हैशटैग है वो भी अभी ट्रेंड पर चल रहा है। तो मूवी भाई साहब सॉलिड हाइप लेके चल रही है, जो ब्लॉकबस्टर हिट ठोक के जाएगी, डेफिनेटली ठोक के जाएगी। और 8 मार्च जब इसकी पहली EMI हमें देखने को मिल जाएगा कि आखिर ये कितना प्रॉमिसिंग है, जो ये वर्ड्स जो चल रहे हैं, जो ये बातें चल रही हैं कि भाई सब 2000 करोड़ ठोक जाएगी, 1000 करोड़ ठोक जाएगी, सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, बाहुबली 2 क्या थी इसके सामने, या फिर ये KGF 2 क्या थी, ये सब चुटकियों में टूट जाएंगे। तो ये बातें कितनी सच होंगी भाई सब 8 अप्रैल को पता लग जाए, क्योंकि उस दिन टीजर आ जाएगा। टीजर की टाइमिंग क्या हो सकती है? टीजर की टाइमिंग अभी कोई रिवील आउट नहीं करी है, लेकिन 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 ऐसी बड़ी मूवी के जो भी टीजर आते हैं जिनकी बहुत सॉलिड हाइप होती है, और खासकर साउथ की मूवी का अगर मैं आपको बताऊं तो सलार या और भी मूवीज़ के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये लोग कभी भी 10 बजे के बाद से टीजर को ड्रॉप आउट नहीं करते। लेकिन भाई अगर इस मूवी को अलग अंदाज में चल रहे हैं, क्योंकि जो इसके मेकर्स हैं उनका अलग ही अंदाज है, वो कुछ भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने पोस्टर ऐसा अनाउंस किया है जो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता था कोई, इतना हवा नहीं है, कोई इतनी डिटेलिंग नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, बस एक पाँव दिखा दिया, घुंघरू दिखा दिया, और उन्होंने भाई बता दिया कि टीजर 8 तारीख को आ जाएगा। देन उसके बाद उन्होंने ये भी कन्फर्म कर दिया कि 15 अगस्त को मूवी थिएटर हाउस में आपको मिल जाएगी, चाहे इसके सामने कोई भी मूवी आए, चाहे क्लैश हो या कुछ भी हो, भाई इन्होंने धड़ल्ले से रिवील आउट कर दिया कि मूवी हमें 15 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब अभी सारी प्रिडिक्शंस को रखते हैं किनारे की मूवी, और मूवी में और क्या क्या मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि 8 अप्रैल अभी ज़्यादा दूर नहीं है, और जब हमें टीजर देखने को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में ये जो द रूल है वो कितनी परसेंट सक्सेस होते नजर आ रहा है, जो अपना पुलिस वाला सिखावत है, क्योंकि ये इसके पीछे पड़ने वाला है हाथ धो के। भाई साहब जो बेइज्जती इसकी करी है उसने फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पर हाथ धो के पीछे पड़ेगा। काला धंधा तो ये करता ही है, खतरों का खिलाड़ी तो अपना ये भाव है ही है, लेकिन सिखावत बहुत बुरी तरीके से इसके पीछे पड़ने वाला है, बहुत बुरी तरीके से इसे तोड़ने वाला है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और रेगुलर हो तो आपका लाइक करना ही बनता है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सेलिब्रेट करो इस मोमेंट का, क्योंकि इसके लिए बहुत वेट कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।